Sanishcharaye Namaha. Guruji, Vashikaran kya hota hai aur usse kya fayde hai? Priya Bhaktigaron, hamare dharam granthon mein, hamare jo ved, puran, itya, upanishad adi jo dharam granth hai, usme alag alag khandon mein वशीकरण का बार बार जिक्र आता है, जिसमें विभिन्न प्रकार से वशीकरण करने के उपाय बताए गए हैं। वशीकरण का जो मतलब है कि एक व्यक्ति को इस प्रकार से वशीकृत करना कि वो आपकी बात को मान ले, तो उस प्रक्रिया को वशीकरण कहते हैं। लेकिन जो वशीकरण के जो उपाय या प्रयोग हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में जो बताए गए हैं, वह अत्यंत कठिन प्रयोग हैं, जिन्हें कर पाना आम आदमी तो क्या अच्छे अच्छे ज्ञानी और पंडितों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इस यह जो प्रक्रिया है बहुत कठिन है। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, पूजा अर्चना करनी पड़ती है, तब जाकर आप किसी व्यक्ति को वशीकृत कर सकते हैं। लेकिन आजकल समाज में वशीकरण के बारे में नए नए बाबाओं की नित्य नई फौज तैयार हो गई है, जो वशीकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। उनका उद्देश्य वशीकरण के नाम पर आपको बेवकूफ बनाना है, आपके पैसे को ठगना है। वो 3-4 महीने एक जगह पर बैठकर आपको ठगते हैं, उसके 3-4 महीने तक ठगने के पश्चात वहां से अपना ठिया ठंबर उठाकर किसी नई जगह पहुंच जाते हैं और नए नाम से नई दुकान खोलकर फिर वहां से लूटना और ठगना आरंभ कर देते हैं। आज अगर उनका नाम जमाल खां है तो कल वो कमाल खां बनकर किसी और इलाके में, किसी और शहर में जाकर आपको फिर से लूटने लगते हैं। तो मैं सभी भक्त जनों से कहना चाहूंगा कि वो अपने समाज, हमारे समाज को गुमराह होने से बचाएं और उनको बताएं कि वशीकरण वगैरह कुछ नहीं होता, वो आम आदमी के करने लायक प्रयोग नहीं है और कोई इतनी आसानी से कर भी नहीं सकता। अगर मुझे वशीकरण करना आएगा तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वशीकरण करूंगा और उनसे कहूंगा कि भाई हमारे देश पर क्यों बार बार हमारी सीमाओं पर आक्रमण करते हैं आप, आज के बाद आप अपनी जो बंदूक का या AK-47 का मुख है चाइना की तरफ मोड़ दो। आक्रमण करना है तो चाइना पर करो, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमारे सैनिकों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो अगर मुझे ये लोग जो वशीकरण करने वाले बाबा हैं, अगर वो इस प्रकार का कोई दावा करते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, तो वो मुझसे आके अपनी मुंह मांगी फीस ले जाएं। और जो पाकिस्तान की जो AK-47 और तोप के मुंह हमारे देश की तरफ खुले हुए हैं, उनका मुंह चाइना की तरफ करवाकर लगातार 72 घंटे की बमबारी चाइना पर करा दे, अपनी मुंह मांगी फीस हमसे ले जाए। अंततः मैं सिर्फ इस बारे में इतना ही पब्लिक और आप सभी लोगों से कहूंगा कि पब्लिक को आप लोग जागरूक करें कि वशीकरण करना इन बाबाओं के जो बार बार एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जिनके एडवर्टाइजमेंट के जाल में फंसकर आप उन तक पहुंचते हैं, वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, आप उनके कहे में ना आए और अपना समय और धन का नुकसान ना करें। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? क्या आपकी किस्मत के सितारे गर्दिश में हैं? क्या बैड लक आपका पीछा ही नहीं छोड़ता? तो आज ही विश्व के 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अपनी परेशानियों को दूर करने के उपाय
रेमेडीज जानने के लिए अभी लॉग ऑन करें www.shanidev.us पर। तो आप हमारे फोन नंबर 011-450-51710 पर गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। पूरे विश्व में लाखों लोग गुरुजी से उपाय जानकर अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। तो आप भी गुरु रजनीश ऋषि जी की शरण में आए और अपना जीवन सुखी बनाए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि गुरुजी किसी भी प्रकार का पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं बताते। वह केवल आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके भाग्य को चमकाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए उपाय सुझाते हैं। जय शनिदेव।